गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बता रहा, देखो, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो क्या ये जादुई वर्ग है? तो देखो, यानी प्रत्येक पंक्ति का मतलब है ऐसे लाइन में ये तीनों लाइन, ये तीनों का योग, इन तीनों का योग आना चाहिए 15/11। उसी तरीके से देखो, ये और ये, इन तीनों का योग भी आना चाहिए 15/11। उसी तरीके से विकर्ण में देखो, विकर्ण में है ये, यानी 4/11, 5/11 और 6/11, इनका योग भी आना चाहिए 15/11। उसी तरीके से 2/11, 5/11 और 8/11, इनका भी योग कितना आना चाहिए 15/11। अगर ऐसा है तो ये जादुई वर्ग है। अब देखो करना कैसे है, मैं आधा करके बताऊंगी, बाकी आप पूरा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 बराबर 15/11। अब दूसरी लाइन को देखो, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, ये भी हो गया 15/11। तीसरी लाइन, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, ये भी हो गया 15/11। तीनों का लिख दिया हमने प्रथम पंक्ति के हिसाब से। अब आगे देखो, आगे लिखना है खड़े में, यानी कि 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11 बराबर हो गया 15/11। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन, ये 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, इनका योग भी आ गया 15/11। तीसरी लाइन, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, इनका भी योग हो गया 15/11, यानी खड़ी लाइनों में भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, विकर्ण में, विकर्ण में मतलब ये, तो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, इनका भी योग हो गया 15/11, ये 11 है, सॉरी, है ना। अब ऐसे ही इधर से देखो, तो इधर से 4/11 इस विकर्ण में प्लस 5/11 प्लस 6/11, और इनका भी योग हो गया 15/11। तो ये आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे कि यह एक जादुई वर्ग है। क्या लिखेंगे? हाँ, यह है एक जादुई वर्ग है। ठीक है, तो ये सारा आपको कॉपी में करना है और मुझे सेंड करना है। थैंक यू।